नमः शिवाय। आज सिंह राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, कब सफलता मिल सकती है, घर बार इत्यादि और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष पर्यंत सिंह राशि के राशिफल का सारांश बताते हैं, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या सटीक उपाय किए जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष लाभ और उन्नति के ढेर सारे अवसर लेकर आया है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, मगर थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बनती है, स्थान परिवर्तन का संकेत भी मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। सगे संबंधियों, भाई बंधुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बना रहेगा। भूमि, मकान, वाहन इत्यादि लेने के अवसर सामने आएंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, मगर अंततः यदि आप लगे रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। संतान पक्ष के साथ भावनात्मक तालमेल बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य मानसिक तालमेल में कमी और मतभेद की स्थिति आ सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, व्यापार में लाभ की स्थिति संघर्ष के बाद मिलेगी तथा नौकरी के में स्थान परिवर्तन का योग बनता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि वाला होगा। वर्ष की शुरुआत सूर्य, शनि और बुध की युति से हो रही है। मंगल भाग्येश हैं और आठवें चल रहे हैं। इस दौरान थोड़ी क्रियाशीलता की कमी, कार्य क्षेत्र में पहल करने की प्रवृत्ति में कमी, टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी और काम के ना होने से भी सकारात्मक पहल में कमी आ सकती है। मगर फरवरी से मार्च तक मंगल की स्थिति सभी रुके हुए कामों को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहयोग करेगा। इस दौरान मंगल स्वराशिस्थ होकर आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। आपके प्रयासों को बल मिलेगा, ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और नई कार्ययोजनाओं के सपने पूरे होंगे। पुनः 14 अप्रैल से मई तक की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उन्नति के अवसर मिलेंगे। अधिकारियों की कृपा दृष्टि अपने मातहत पर सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी और खुश और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय कार्य क्षेत्र को और विस्तार देने में मदद करेगा। चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय स्वर्णिम होगा, जिसमें पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक सहयोग भी कायम रहेगा। विदेश जाने की कामना रखने वाले जातकों को ऐसे समय में प्रयास करना चाहिए। आईटी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को भी उपलब्धियां हासिल होंगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे, कहीं प्रशिक्षण के लिए विभागीय तौर पर भेजा जा सकता है। 15 अगस्त के बाद का समय सामाजिक तौर पर अपनी पहचान सुनिश्चित कराने में सहयोग करेगा। सम्मानित किए जाएंगे और लोकप्रियता हासिल होगी। इस दौरान किए गए सारे प्रयास सफल होंगे। जमीन, मकान, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी यह समय अच्छा होगा। अपने आप को हर मामले में तैयार रखें और उचित समय आने पर उसका उपयोग करें। 12 अगस्त के बाद से यह समय और मजबूती प्रदान करेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचने में कामयाब होंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक साहित्य पढ़ने में भी मन लगेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो विभागीय तौर पर कहीं ट्रेनिंग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। विभाग में उच्च पद आसीन होने या विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन होने के योग भी वर्ष के उत्तरार्ध में बनते दिख रहे हैं। धन संपत्ति, शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष। सिंह राशि के जातकों के लिए 6 फरवरी से मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशिस्थ रहेंगे। यह समय आर्थिक मामलों में उपलब्धि दिलाने वाला होगा।
हालांकि बृहस्पति केंद्र में है, आपको वर्ष पर्यंत सक्रियता कायम रखने के लिए, उत्साह और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने के लिए सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। 10 सितंबर से आर्थिक मामलों में विशेष उपलब्धि वाला समय रहेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी और अपनी पहचान सुनिश्चित कराने में सहयोग मिलेगा। वाणी से भी लोकप्रियता हासिल करेंगे, जो कि उन्नति का साधन भविष्य में बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करवा सकता है। यदि आपके मेहनत करने की प्रवृत्ति बरकरार रही तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बस धैर्य और संयम बनाकर मेहनत करते जाएं। आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, मगर कर्म ही पूजा है, यह सिद्धांत मानते हुए अपनी तैयारी करते रहें। फरवरी से मई का महीना आपके मेहनत और भाग्य को सहयोग देगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। ब्रह्म प्रतीक्षित कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आपकी राशि अग्नि तत्व राशि है। शीघ्र क्रोधी होने का स्वभाव मित्रों के साथ अप्रत्याशित समस्याएं बढ़ा सकता है। इस संबंध में घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, मगर हर तरफ से सहायता आपको मिलती जाएगी। मगर पढ़ाई के प्रति एकाग्रता आपको स्वयं ही बनानी पड़ेगी। पंचम भाव में शनि और केतु की युति, साथ ही साथ एकादश भाव में बैठे राहु की सप्तम दृष्टि भी मन की एकाग्रता में कमी और कड़ी मेहनत का संकेत देता है। इसलिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरे मनोयोग के साथ यदि आप लगे रहे तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। भावी संतान की अभिलाषा करने वाले जातकों के लिए अप्रैल मई का महीना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, मगर सावधानी भी अपेक्षित है। यदि गर्भावस्था चल रही है तो नियमित डॉक्टरी सलाह लेते रहना हितकर होगा। हालांकि यह वर्ष पूरे वर्ष संतान संबंधी चिंता कुछ ना कुछ विषयों को लेकर बनी रहेगी, मगर वर्ष के उत्तरार्ध में आप राहत और अपने आप को सफल महसूस करेंगे। पत्नी और मधुर संबंधों के हिसाब से यह वर्ष संवेदनशील बनाता है। पत्नी के साथ संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, साथ ही विचारों के तालमेल में कमी संभव है। पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, मगर किसी विषय को लेकर आपसी रिश्ते में स्वाभिमान को बीच में ना आने दें। जिन जातकों का विवाह तय हो चुका है और विवाह संपन्न नहीं हुआ है, ऐसे जातकों को खास तौर पर अधिक सावधान रहना चाहिए। अच्छा खासा बना हुआ रिश्ता टूट सकता है, मगर आप सामंजस्य और लचीला व्यवहार निभाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खास तौर पर सावधानी वाला समय 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक का रहेगा। हालांकि यह सावधानी अक्टूबर तक बनाए रखें तो और अच्छा रहेगा, मगर बृहस्पति के धनु राशि में वर्ष के अंत में आने पर सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। विशेष उपलब्धि वाला समय कौन कौन सा रहेगा, जिसका सदुपयोग समय रहते ही ध्यान देकर किया जा सके? पहला समय 6 फरवरी से 22 मार्च तक रहेगा, दूसरा समय 15 अप्रैल से 15 जून तक रहेगा और तीसरा समय 16 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा, मगर विशेष सावधानी वाला समय 15 जुलाई से 16 अगस्त तक का है, जिसमें वाद विवाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक स्तर पर उतावलापन या आक्रोशित होना हो सकता है। क्या उपाय करें जिससे हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हो, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, हर बाधा से मुक्ति मिले और हर परिस्थितियां अपने अनुकूल होती जाएं? सर्वप्रथम सूर्यदेव को रोज थोड़ा गुड़, लाल फूल और रोली डालकर अर्घ दें। सरकारी नियम और कानून का ईमानदारी से पालन करें। किसी कार्य के लिए घर से निकलें तो मीठा खाकर, पानी पीकर घर से निकलें। केले के पौधे में रोज जल डालें। भगवान विष्णु और हनुमान जी की आराधना रोज करें। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, हर कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और मन प्रफुल्लित रहेगा।